वहीं देखिए एटा दौरे पर आज रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जलेसर में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा प्रत्याशी सुरेश चंद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे आज एटा के जलेसर एमपी इंटर कॉलेज में। बताया जा रहा कि जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे जनता से। वो तो एटा के जलेसर एमपी इंटर कॉलेज में मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज एटा के जलेसर एमपी इंटर कॉलेज में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज एटा के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वो सत्ता पक्ष को घेरते हुए भी नजर आते हैं। कई तरह के मुद्दे उठाते हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और आज वो एटा के जलेसर में एमपी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखने वाली बात होगी इस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है एटा में? नंदनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव का एटा में यह तीसरी रैली है। एक कासगंज में की थी, वहीं एक एटा में की थी, वहीं और दूसरी रैली जलेसर के एमजीएम इंटर कॉलेज पर जो है अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी सुरेश चंद के समर्थन में जो है वो जनता से वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर देखने को हमला करते हुए दिखाई देते हैं। वो बेरोजगारी पर और पेपर लीक पर और भ्रष्टाचार पर लगातार जो है बात कर रहे हैं और जनता को अपने समर्थन में लाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे। हमारे साथ कुछ लोकल लोग हैं, इनसे जानेंगे। मैं जलेसर तहसील के क्षेत्र के अबागर में खड़ा हूँ, इनसे जानेंगे किस तरीके से क्या मतलब मुद्दे रहेंगे वोट डालने के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र अगरिया है और हम सभी के मुद्दे रहेंगे महंगाई, शिक्षा और रोजगार। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। क्या रहेगा जो चुनाव में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं तो किस तरीके से आप लोगों को क्या किया है? देखिए, एफपी सिंह बघेल है, वो पुराने नेता हैं। बाकी ये सपा के जो सुरेश पाल, वो सुरेश जो है उनको अभी तक देखा भी नए हैं, बसपा से भी नए ही हैं, तो अभी उनको देखा भी नहीं कैसे क्या है। फिलहाल एफपी सिंह का काम ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया नेता है, सबसे मिलकर चलते हैं। तो लोगों का कहना है कि यहाँ केंद्रीय मंत्री एचपी सिंह बघेल भी चुनाव मैदान में हैं और बसपा से जो है पूजा है अमरोही, तो लगभग त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि एचपी सिंह बघेल पहले भी यहाँ सांसद रहे हैं और दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखें लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी जीत की हैट्रिक लगा रही है, क्या इस बार विपक्ष इस गढ़ में अपनी जीत की कामयाबी हासिल कर पाएगा क्या? तो संजीव से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा प्रयास करेंगे। देखिए एटा में अखिलेश यादव आज जनसभा को संबोधित करेंगे। जलेसर में कहा जा रहा है अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से और इसी बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे और जो सत्ता पक्ष की तमाम खामियां हैं उसे भी जनता के बीच में रखेंगे। तमाम देखा भी गया है जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं, जो मुद्दे हैं उसको उठाते हुए भी वो नजर आते हैं और आज भी ये नज़ारा देखने को मिल सकता है। तो अखिलेश यादव आज एटा के दौरे पर हैं जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। एटा के दौरे पर हैं, जलेसर में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा प्रत्याशी सुरेश चंद के समर्थन में कहा जा रहा है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और आगे बढ़ते हैं यूपी में।